हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिष्टी दोई की ये फेमस रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टफुल होती है। ये बंगाल की सबसे फेमस रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। पैन में डालेंगे तकरीबन हाफ कप शक्कर, शुगर, इन सबको हम अच्छे से लो फ्लेम में हीट कर लेंगे। जब शक्कर अच्छे से गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी ना, तो ये धीरे धीरे लिक्विडी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है शक्कर और इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे कच्चा दूध। यहाँ पर मैंने एक कप तकरीबन दूध ऐड किया है। थोड़ा सा जब ये सेट हो जाए ना, तो दोबारा हम इसमें दो कप दूध ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने तीन कप दूध ऐड किया है और इन सबको हम लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से शक्कर के साथ पका लेंगे। धीरे धीरे इसका कलर भी दूध के साथ चेंज हो जाएगा। दो से तीन मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन शेड में आ चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो हम इसमें मिलाएंगे तकरीबन एक चम्मच दही। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच दही को अच्छे से बीट करने के बाद, फेंटने के बाद हम इसमें मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दही डालते रहेंगे और स्टर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैंने दूध को रख दिया है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी जो हमने पहले से ही फेंट कर बीट करके रख लिया है। दही ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से स्टर करते रहेंगे, 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टर करेंगे ताकि दूध और दही अच्छे से सेट हो जाए एक साथ। यहाँ पर तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद मिष्टी दोई आपको जिसमें भी इसे सेट करना है, आप वो बर्तन वो कप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का कुल्हड़ ले लिया है, ये पॉलिश किया हुआ है। आप चाहें तो इन्हें मिट्टी के उसमें भी सर्व कर सकते हैं या फिर कोई भी कटोरी में जो सर्विंग डिश होगी उसमें भी सर्व कर सकते हैं। सर्व करने के बाद इन्हें फॉइल कवर से अच्छे से कवर कर दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए हम इन्हें बाहर ही रखेंगे। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए ना, तो हम इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये जो हमारी मिष्टी दोई है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने 6 से 7 घंटे रखने के बाद आप देख सकते हैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्टली हमारी मिष्टी दोई तैयार हो चुकी है, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी आपका खाने का मन करे आप आसानी से घर पे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए बनाया है और ये तकरीबन इसमें 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो 1/2 लीटर दूध में आप बहुत ही ज़बरदस्त मिष्टी दोई आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इसकी बाइट बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में जायकेदार है। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।